नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रमल ज्योति सचार के तारा कृष्णा शर्मा आप सबका स्वागत करते हुए आज ये बताएंगे 18 फरवरी है, दिन रविवार का है और साथ ही चंद्रमा मीन राशि में संचार कर रहा है। अगर हम बात करते हैं तृतीया तिथि, वो जो है सुबह 5:16 से प्रारंभ हो जाएगी। हम बात करते हैं आज के शुभ समय की। शुभ समय आज का है 8:30 से लेकर 9:10 तक का समय रहेगा, जिसमें आप दान पुण्य का कुछ भी सामान निकाल सकते हैं। और आज के विषय के बारे में बता दें, सूर्य हमारा कमजोर है। सूर्य के आप उपाय भी कर रहे हैं, मगर वो खास उपाय जिसके जरिए हमारा जो उपाय जो आप सूर्य का कर रहे हैं वो बहुत जल्दी जो है आपको प्रभावित करे और आपके सारे कार्य बने। चलिए राशियों के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहेगा चर्चा करते हैं अपने रमल के जरिए, भाग्य के पासे के जरिए बताते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का नंबर जो निकला है नंबर 3, नंबर 4, नंबर 3, इन 10 नंबर का एक नंबर सूर्य का निकला है। मेष राशि वालों आज जो है अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपने स्वास्थ्य के ऊपर अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करके रखिएगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि दूसरों के सामने अगर प्रभावशाली बनना है तो आपको आज के दिन बहुत अच्छे अपने आप को बना के रखना है। और साथ ही कहीं अगर इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो ना, तो आज जो है गहरे रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहनिएगा, थोड़ा लाइट वस्त्र पहनिएगा जो आपके लिए बेहतर भी रहेगा और सारे कार्य भी आपके बनेंगे। चलिए हम बात करते हैं अपनी वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का नंबर क्या कहता है आपके लिए। यहाँ बता दें नंबर निकला है नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, 7 नंबर निकला है, यानी कि सप्तम भाव का भी ये नंबर है। और 7 नंबर के हिसाब से ये बता दें आज थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, परिश्रम रहेगा। साथ ही जो है पत्नी के साथ में आज का समय आपका व्यतीत होने वाला है, घूमने फिरने जा सकते हैं। जिनके विवाह नहीं हुए हैं तो उनके विवाहों की आज बातचीत हो सकती है। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि। अगली राशि हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का नंबर निकला है नंबर 3, नंबर 4, नंबर 1, 8 नंबर निकला है। मिथुन राशि वालों आज जो है आपको क्या करना है, एक तो जो है अपने काम काज पे पूरा ध्यान देना, आलस नहीं करना है। कुछ जो है हमारी पुरानी बातें जो है आपको दिल दुखा सकती हैं, पुरानी बातों को सोचकर दिल अपना ना दुखाएं तो बेहतर रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का नंबर क्या निकला है। भाग्य के पासे का नंबर आपके लिए जो निकला है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 9 नंबर निकला है। भाग्य के पासे के नंबर के हिसाब से बता दें आज जो है पूजा पाठ की तरफ आपका ध्यान ज्यादातर रहेगा, अध्यात्म की तरफ थोड़ा ध्यान रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज बता दें, किसी के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, 9 नंबर निकला है, जिसकी वजह से जो है आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि सिंह राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का नंबर जो निकला है नंबर 3, नंबर 3, नंबर 2, 8 नंबर निकला है। सिंह राशि वालों के लिए बता दें कुछ जो है हमारी पुरानी चीजें हमारे सामने आ सकती है, जिसको जो है हम काम जिसका जो है हमें कहीं ना कहीं दुख भी हो सकता है। पुरानी बातें भी हैं, पुराने दोस्त भी हैं, पुराने कुछ पेंडिंग काम भी हैं, जिसकी वजह से हमें दुख होगा। दुख ये होगा कि हमने वो काम पूरा नहीं करा। साथ ही जो है आज जो है कहीं ना कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं काम के सिलसिले में। चलिए हम बात करते हैं अपनी अगली राशि। अगली राशि हमारी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का नंबर निकला है नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3, 6 नंबर निकला है। कन्या राशि वालों आज जो है किसी के साथ में अपने जो है प्रेम की बातें अगर शेयर करना चाहते हैं शेयर करिए। अगर प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए, दंपत्य जीवन के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा सुखमय रहने वाला है, अच्छा रहेगा और प्यार तो बना रहेगा, साथ ही धन की आवागमन भी लगी रहेगी। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि। अगली राशि हमारी तुला राशि। भाग्य के पासे का नंबर आपके लिए निकला है नंबर 2, नंबर 4, नंबर 4, 10 नंबर का एक नंबर सूर्य का निकला है। तुला राशि वालों आज जो है मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। पिता का स्वास्थ्य भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको खराब दिखाई देगा, पिता के ऊपर आपने ध्यान भी देना है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ जो है आपके मन को दुखा सकती है, तो आप दुखी मत होइएगा। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। मानसिक रूप से जो परेशानी है वो आएगी और चली जाएगी, मगर आज के लिए आप करना क्या है, आज सुगंधित अगरबत्ती अपने घर में अपने पूजा स्थल में जलाइएगा 9 की संख्या में। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि। अगली राशि हमारी वृश्चिक राशि। भाई आपके लिए जो नंबर निकला है नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4, 3 नंबर निकला है। बता देते हैं आज क्या हो सकता है, भाई बहनों के साथ में अपना आपका समय अच्छे से बीतेगा। साथ ही जो है कुछ खरीदारी कर सकते हैं, कुछ अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है, तो आज का दिन आपके लिए भी शुभ रहने वाला है, क्योंकि 12 नंबर का 3 है, 3 अच्छा है आपके लिए। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि। अगली राशि है हमारी यहाँ पर धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए भाग्य के पासे का नंबर जो निकला है नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2, 6 नंबर निकला है। धनु राशि वालों आज जो है
शॉपिंग वगैरह करने के लिए जा सकते हैं, मगर ध्यान रखिएगा आज जो है पैसा आपके हाथ में टिक नहीं सकता, बहुत ज्यादा खर्च होने वाला है, तो अपने खर्चे पे थोड़ा सा संयम रखिएगा। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि मकर राशि। मकर राशि के लिए बात के पास का नंबर जो निकला है नंबर 3, नंबर 4, नंबर 2, टोटल मिला के अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से नंबर है वो है 9 नंबर। मकर राशि वालों आज जो है गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, वाणी से जो भी बोलिएगा लोगों को प्रभावित कर दे इस तरीके की अपनी वाणी रखिएगा, अच्छा रहेगा, जिससे जो है लोग आपसे प्रभावित होंगे। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि है हमारी कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य पासे का नंबर जो निकला है मैं बता दूं, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 3, 10 नंबर का 1 नंबर सूर्य का निकला है। कुंभ राशि वालों आज जो है हो सकता है कहीं जॉब वगैरह की जो बातचीत आप बहुत समय से सोच रहे थे करने के लिए, किसी के साथ में आपकी बातचीत हो सकती है, तो वो बातचीत जो है आज करने का बहुत अच्छा समय है। आज जो है यानी संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो आज जो है उनसे जाके बातचीत करिए, शायद हो सकता है आपकी जॉब में वो मददगार हो, किसी की सलाह ले लीजिएगा, पिता की भी सलाह आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा मदद दे सकती है। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि मीन राशि वालों के लिए भाग्य के पास का नंबर निकला है नंबर 2, नंबर 4, नंबर 1। भाई यहाँ पर जो नंबर है 7 नंबर है। मीन राशि वालों स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं और फिजूल में आज घूमना फिरना ना रखें तो अच्छा रहेगा। तो ये था 12 राशियों के अनुसार आज का दिन। अब हम बताते हैं सूर्य आपका कमजोर है आपकी राशि में, तो यहाँ पर सूर्य को मजबूत कैसे करें, क्योंकि सूर्य जो है संतान का भी योग बनाता है, सूर्य जो है पद प्रतिष्ठा का भी योग बनाता है, तब आपने सूर्य के जो भी उपाय कर रहे हैं सूर्य की उपासना के साथ में आप बस उस दिन संडे के दिन नमक ना खाएं, नमक का त्याग कर दीजिए, नमक बल्कि आपने रविवार के दिन किसी मंदिर में जाकर दान करके आइए, इससे देखिएगा आपका सूर्य प्रबल हो जाएगा। साथ ही ईशान कोण में एक नल लगा दीजिएगा, आपका सूर्य मजबूत रहेगा, पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, सारे कार्य आपके जल्दी बनेंगे। ये था हमारा खास उपाय एस्ट्रो तक में, और नए उपाय के साथ में नए विषय के साथ में करते हैं आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मैं ज्योतिषाचार्य कृष्णा शर्मा चाहती हूँ इजाजत, जय महादेव।